नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जैसे कि 5 मिनट में करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है, आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो WTO को डिटेल में जानेंगे, एक IMF के स्ट्रक्चर को ठीक से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी हाल ही में एक देश है, दक्षिण कोरिया उसका नाम है, उसने जो विकासशील देशों को मिलने वाली सुविधाएं होती हैं जिनका नाम है विशेष एवं विभेदित व्यवहार। ध्यान रखिए कि जो विकासशील देश होते हैं, अपने आप को बताते हैं हम विकासशील हैं, उन देशों को WTO के माध्यम से कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं और उनका पूरा नाम है विशेष एवं विभेदित व्यवहार। ये मिलने वाली सुविधाएं हैं विकासशील देशों को। तो दक्षिण कोरिया ने अनाउंस किया है कि हमें ये सुविधाएं नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सुविधाएं नहीं लेगी तो वह देश जो है वो विकासशील देश में नहीं रहेगा। वो विकासशील देश में रहेगा लेकिन कुछ लाभों के लिए दावा नहीं करेगा, जिसके लिए उसने मना कर रखा है। दक्षिण कोरिया जो है चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व की, और यह 1995 में स्वयं को विकासशील घोषित की थी। 1995 वही समय है जब WTO का निर्माण होगा। ध्यान रखिए एक बात और कि कोई भी देश विकासशील है अथवा नहीं है, इसके लिए WTO ने कोई विशेष व्यवस्था प्रबंधन नहीं किया है, कोई कंडीशन नहीं लगाई है। वह देश स्वयं इस बात का निर्णय करता है कि वह विकासशील है अथवा विकसित है अभी, ठीक है। हालांकि ध्यान रखिए इस बात पे एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो कहेगा तो मान लिया जाएगा। जो अन्य देश हैं वो उसके इस दावे के विरोध में बात भी कर सकते हैं, उस दावे का विरोध भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं विशेष एवं विभेदात्मक व्यवहार क्या है। तो जैसे कोई देश अगर विकासशील है तो उसके लिए कौन कौन से विशेष होते हैं, लाभ होते हैं। तो व्यापार के अवसर को बढ़ाने में WTO उनकी मदद करता है, व्यापारिक हितों का संरक्षण करता है। जैसे विकसित देशों से अगर उनका व्यापारिक हित खराब हो रहा है तो बीच में मध्यस्थता करके वो इनको संरक्षित करता है, विवादों का निपटारा कराता है, नई नई तकनीकी लागू करने में सहायता करता है। इसके साथ ही साथ मैंने जैसा कहा कि सदस्य देश ही इसकी घोषणा करते हैं, सदस्य देश ही बताते हैं कि क्या कहते हैं वो विकसित हैं अथवा विकासशील हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाल ही में कुछ देशों ने एक प्रस्ताव पेश किया, उसमें कहा कि जो स्वघोषणा का विकल्प है वो कुछ एक संगठनों को, कुछ एक देशों को जो जिस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। जैसे ऐसे देश जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सदस्य हैं, लोगों का, देशों का मानना है कि ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं कि स्वघोषणा करें कि हम किस कैटेगरी में हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि WTO ये डिसाइड करे अपने मानक के हिसाब से कि वह देश किस कैटेगरी में है। G20 के सदस्य ये भी घोषणा नहीं करेंगे, ना करें, ऐसी बात पे प्रस्ताव आया है। और जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार उच्च आय वाले देश हैं, जिनको वर्ल्ड बैंक कह चुका है कि ये इनकी आय अच्छी है, या ऐसे देश जिनका विश्व के कुल GDP में 0.5 की हिस्सेदारी हो, ऐसे देश इस विकल्प का प्रयोग ना करें, स्वघोषणा नाम के विकल्प का प्रयोग ना करें, ये राय है अन्य देशों की। हालांकि अन्य देशों में ये भी कहा गया है कि जो भी साउथ कोरिया की तरह लाभों से दूर रहना चाहता है वो इस निर्णय को ले सकता है, ठीक है। देखिए क्या होता है विकासशील देशों में, जैसे कोई देश मान लीजिए वो विकासशील अपने को विकसित हो जाए उसके बाद भी स्वयं को विकासशील रखता है तो वो लाभ लेता रहता है। जैसे अभी हाल ही में US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना को लेकर के इस पर इतराज जताया है कि वो विकासशील की श्रेणी से ऊपर आते हैं फिर भी उनको विकासशील के दर्जे का लाभ मिल रहा है, जो कि अनुचित है। आइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1948 में स्थापित किए गए गैट नाम की एक संस्था का रिप्लेस्ड नेम है। मान लीजिए 1948 में गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का निर्माण हुआ, जो आगे चल के 1995 में, मतलब कि 1 जनवरी 1995 में WTO का निर्माण, उसी के नाम को बदल करके WTO रख दिया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापारों के मध्य बात करता है, दो देशों के बीच में विवादों को निपटाता है व्यापारिक संबंध, और दो देशों के बीच में व्यापार तकनीक को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें कुल 159 देश हैं जो इसके समूह हैं। आइए अगली बात पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन है IMF से रिलेटेड। चलिए, IMF ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने भारत के आर्थिक समृद्धि दर को 7% से घटा करके 6% कर दिया और वैश्विक GDP को कम करके 3% कर दिया। तो आइए बात करते हैं ये IMF क्या है और कैसे इसका निर्माण हुआ। देखिए हुआ क्या
कि आप सारे लोग जानते हैं कि देश की वृद्धि, देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब देश के पास आर्थिक समस्याएं ना आए। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे विश्व में कोई देश ऐसा है जिसको कभी आर्थिक आवश्यकताओं, आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो निश्चित तौर पर देश को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सारे लोगों में एक कंसर्न आया, एक विचार आया, क्यों ना हम कोई एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएं जिससे जब जिस देश को आवश्यकता हो वो उस देश की मदद कर सके। तो इस बारे में यूएसए ने एक प्लान दिया जिसका नाम है वाइट प्लान, और यूके ने एक किनिस स्कीम नाम का एक प्लान दिया था। इन दोनों प्लान को पढ़ करके लोगों ने, 44 देशों ने आपसी सहमति से 1944 में एक ब्रिटेन वुड सिटी में कॉन्फ्रेंस किया। इसीलिए ब्रिटेन वुड सिटी में हुआ था, इसीलिए इसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें ये डिसाइड हुआ कि हम लोग दो संगठन बनाएंगे, आर्थिक संगठन, नंबर एक IMF और नंबर दो IBRD। आप सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि IMF का फुल फॉर्म क्या है और IBRD का फुल फॉर्म क्या है। तो जब इन दोनों संस्थाओं पर निर्णय हुआ तो 27 दिसंबर 1945 को IMF का फॉर्मेशन हो गया, मतलब IMF को फॉर्म कर दिया गया। इसने काम करना चालू 27 दिसंबर से नहीं किया था, इसने काम करना चालू 1 मार्च 1947 से किया था। दोनों बातों को याद रखिएगा, फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ है जबकि इसने काम करना प्रारंभ किया है 1 मार्च 1947 से। इस संगठन में पूरे के पूरे 189 कंट्रीज़ हैं। आपको ये भी बताना है कि 189वां देश कौन सा है, लास्ट कंट्री कौन सा है जो IMF का सदस्य बना है। एक और प्रश्न आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्तमान की इसके चेयरमैन कौन है। बहुत चर्चा में रही हैं, पेपर में भी आई हुई हैं, तो लेडी हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इतनी बात IMF के बारे में आपको जरूरी थी। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है किस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ, तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था, 1944 के अंतर्गत यह कॉन्फ्रेंस हुआ था। चलिए, क्या है इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे मानिए जो IMF बनता है उसमें एक हायरार्की होती होगी, एक स्ट्रक्चर होता होगा। तो सबसे पहले उसके अंतर्गत एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। तो IMF के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ये कंट्रीज़, जो सदस्य कंट्रीज़ हैं वही अपॉइंट करते हैं। तो कोई भी देश एक तो परमानेंट गवर्नर अपॉइंट करता है और साथ में एक एडिशनल गवर्नर अपॉइंट करता है। किसी भी कारण से अगर मान लीजिए गवर्नर उपलब्ध ना रहे तो एडिशनल गवर्नर उसके दायित्व को निभाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आपके यहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ भारत की तरफ से प्रेजेंट करते हैं भारत को। और एडिशनल गवर्नर में हमारे जो RBI के गवर्नर होते हैं उनको माना जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिल करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर हमेशा उपलब्ध रहे ना रहे, मीटिंग में केवल उपलब्ध रहे, लेकिन काम करने वाले एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका तो सदस्य अलग होना चाहिए। तो ये सारे लोग मिल करके बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाते हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंतर्गत होता है। भारत में देखा जाए तो भारत का जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, भारत ने जो एग्जीक्यूटिव रख रखा होता है मतलब IMF में, वो केवल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन चार देशों का प्रतिनिधित्व करता है। आपसी सहमति से ऐसा संभव है। यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिल करके प्रेसिडेंट, मतलब कि IMF का प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, जिसे आप मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, और उन्हीं का नाम मैंने आपसे पूछा है कमेंट सेक्शन में। ये जो सदस्य देश होते हैं बच्चों, इन सदस्य देशों के पास 250 वोट करने का अधिकार होता है। मतलब ये जब भी वोटिंग होगी तो एक कोई भी नॉर्मल मेंबर भी हो, कोई बड़ी कंट्री भी हो, लेकिन उसके पास 250 वोट का मान्यता होता है। लेकिन अगर आपको 250 से एक वोट ज़्यादा चाहिए, दो वोट ज़्यादा चाहिए, तो पर एक वोट के लिए आपके पास 1,00,000 STR होना चाहिए। आपको पता करना है STR का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये करेंसी है, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, ये करेंसी है। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म ढूंढ के यहाँ पे बताइए, और साथ में नेट पे आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए भी। तो अगर एक देश के पास 1,00,000 STR ज़्यादा है तो वो उसका वोट जो 250 है नॉर्मल, उस वो 251 हो जाएगा। ऐसे ही 1,00,000 और होगा तो 252 हो जाएगा। प्रति 1,00,000 एक वोट के लिए 1,00,000 STR करेंसी का होना ज़रूरी होता है। इसको कोटा बोलते हैं। ठीक है, कोटा 250 का होता है, कोटे में अगर एक ज़्यादा वोट लाना है तो ये आपके पास करेंसी होनी चाहिए। टॉप जो आपके हैं USA के पास IMF के अंतर्गत 17.68% वोट है। मतलब इसके पास आप जान सकते हैं इस डेटा से कि सबसे ज़्यादा SDR किसके पास है, USA के पास है, तभी उनके वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। सेकेंड पे जापान है 6.56, थर्ड पे चाइना है 6.51%,
आठवें नंबर पे भारत है जिसका परसेंटेज है 2.79%। तो आप देख रहे हैं भारत के पास एसडीआर की बहुत कमी है और जबकि यूएसए टॉप पे है। ये जो आईएमएफ होता है ये मॉनिटरी कॉरपोरेशन मतलब कि आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में सहयोग करता है, देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाता है। इम्बैलेंस अगर दो देशों के बीच में कोई भी टकराव हो जाए, कोई भी मतभेद हो जाए तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता है। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है, देशों को लोन उपलब्ध कराता है, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी आईएमएफ के बारे में। ध्यान रखिएगा कब बना, किस कॉन्फ्रेंस में बना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप उसे ढूंढ करके ही ज़रूर जवाब दीजिएगा, लेकिन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले सेक्शन में मिलते हैं कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। हाँ एक बात और कि मैं जल्द ही आज से या कल वाले लेक्चर के बाद से ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करा दिया करूँगा और उसका लिंक भी नीचे दे दिया करूँगा, ठीक है। कोशिश किया जाएगा आज से ही हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट टर्म से हो जाएगा, और आप वहाँ से इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे बेहतर है कि आपको जो ठीक लगे आप उसे कॉपी में नोट करते जाएँ, ठीक है। बच्चों थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।